हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। एंड फाइनली यहां पर मैजिस्क का स्टेबल अपडेट रिलीज हो चुका है 30.6। लेकिन कहानी कुछ और है, कुछ और रिलीज हुआ था, कुछ और हो गया, बताता हूँ, पूरी कहानी समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ उसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सेफली आप अपना मैजिस्क को कैसे अपडेट करोगे, इसके बारे में बताऊंगा। क्या मेजर चेंज लॉक्स हैं, मतलब क्या यहाँ पर नया आया है इस 30.6 में, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपका फ़ोन बूट लूप में जा सकता है, नहीं जाना चाहिए, तो क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी है, वो सब चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, ठीक है। तो चलो यहां पर मैं सीधा बढ़ता हूं। सबसे पहली चीज तो यहां पर एक अपडेट रिलीज हुआ था, मैं आपको शो करता हूं, वेट। तो यहां पर जो है ना, एक्चुअली कल अपडेट रिलीज हुआ था। एक्चुअली जैसे कि आप देख सकते हो मैजिस्क 30.5, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं असिस्ट पे क्लिक करता हूं और अगर आप देखोगे तो 17 आवर्स अगो बोल रहा है। तो यहां पर 30.5 रिलीज हुआ था एक्चुअली, ठीक है। तो एक्चुअली हमारा एक बंदा है, या फिर बोल सकते हो हमारा सब्सक्राइबर ही बोल देंगे उसको, तो उस बंदे ने क्या करा है कि अपडेट कर दिया 30.5 पे। उसने मुझे पूछा भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक बात भी पूछ लेता तो अच्छा होता। उसका फोन हो गया ब्रिक, मतलब बूट लूप में चला गया और उसका डेटा था और उसको रिकवर वो नहीं कर पा रहा है। अब क्यों नहीं कर पा रहा है, नहीं हो रहा है उससे, उसका फोन फास्ट बूट में नहीं जा रहा है, बोल रहा है वो बहुत दिक्कत हो रही है, बोल रहे प्लीज कर दो कुछ। तो भी मैंने बोला एक बात पूछी होती तो मैं थोड़ा सा आपको बता पाता, थोड़ा रुक तो जाते, इतने जल्दी हाई कहती, इतनी जल्दबाजी क्यों करी आपने। अरे भाई मैं वीडियो ला ही रहा ना, आप थोड़ा वेट किया करो यार। भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको को आता नहीं है करके, आपको सब आता है, बट थोड़ा सा ना आपका इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह रहता है। मैं रिस्क ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास दो फोन्स है, मैं अपने दो फोन्स में अपने कांड कर सकता हूँ, लेकिन आप नहीं कर सकते हो, तो मेरा वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट कर लिया करो, ठीक है। एनीवे सीधा मुद्दे पर बढ़ते हैं, देखो क्या हुआ क्या है उसके बारे में बताता हूँ। देखो ये जो 30.5 है ना, इसमें थोड़ा सा बग था, थोड़ा दिक्कत थी, तो इसके वजह से क्या हुआ कि वो 30.5 में आपका बूट लूप इश्यूज हो रहा था। मतलब आप अपडेट कर रहे हो, यहाँ से अपडेट करने के बाद आपको बूट लूप फेस करने को मिल रहा है, तो वो चीज़ जो है वो फिक्स कर दी है 30.6 में, जो कि हॉट फिक्स है, ठीक है। ये बात समझ गई, अभी चेंज लॉक्स के ऊपर बढ़ता हूँ सीधा सीधा, उसके बाद आपको अपडेट प्रोसेस बताऊंगा, वरना बोलोगे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। सीधा मुद्दे पे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे चेंज लॉक्स पूरे मेंशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके पढ़ सकते हो। अब मैं सिर्फ मेजर चेंज लॉक्स के बारे में बात करूंगा जो कि हमको दिखते हैं, जो कि काम के हैं, ठीक है, फालतू बात नहीं करते हैं। सीधा बढ़ते हैं मेजर चेंज लॉक्स के ऊपर। पहला मेजर चेंज लॉक बोले तो यहाँ पर आपको जो है लेटेस्ट एंड्रॉयड का जो सपोर्ट है वो अच्छा रहेगा, मतलब जो लेटेस्ट एंड्रॉयड्स जो भी है, जैसे कि अभी एंड्रॉयड 16 चल रहा है, तो उस पर आपको काफ़ी अच्छे से कंपैटिबल देखने को मिलेगा। ये लेटेस्ट मैजिस काफ़ी अच्छे से फ्लैश होगा, प्रॉपरली जो है उसके ऊपर जो है ओवरराइड होगा और अच्छे से यहाँ पर काम करेगा। ये पहला मेजर चेंज लॉक है। दूसरा मेजर चेंज लॉक के बारे में बात करते हैं, वो है वेंडर बूट पार्टीशन के साथ आपका जो है अभी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। मैं बताता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो सपोर्ट इंस्टॉलिंग मैजिस्क इनटू वेंडर _boot partition, ठीक है, मतलब वेंडर _boot partition को अभी ये सपोर्ट करेगा। अब आप में से बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, भाई अब मैं यहाँ पे पैच करूँ क्या, जिनका कस्टम रिकवरी है वो तो चले जाएंगे कस्टम रिकवरी के अंदर, सीधा मैजिस्क की जिप बना के फ्लैश कर देंगे, लेकिन उन लोगों को क्या जो पैच करके करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं कौन सी इमेज पैच करूँ भाई, मेरे को समझ ही नहीं रहा है, बोलेंगे वो वेंडर वाली बूट वाली करूँ या बूट करूँ या करूँ तो क्या करूँ। तो आप कुछ मत करो उनमें से, मैं आपको सिंपल मेथड बताता हूँ। मैजिक्स ने ऑलरेडी एक बढ़िया सा फीचर हमें पहले ही दे दिया था कि आप यहाँ पर अपनी फुल फाइल को दे दो, वो प्रॉपर इमेज पैच करके आपको रिटर्न में देगा। ये बात आपको पता होगी शायद, तो देखो बताता हूँ आपको करना क्या है। यहाँ पे सिलेक्ट एंड पैच फाइल करके लिखा है, इस पर टैप करोगे, टैप करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको अपनी फुल रोम सिलेक्ट करनी है। फुल रोम सिलेक्ट करने का मतलब क्या है, रुको बताता हूँ। यहाँ पर हम आ जाते हैं फाइल मैनेजर के अंदर। अब मेरे डिवाइस के अंदर जो रोम चल रही है उस रोम को मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल पर्पस, ये जो देख रहे हो ये मेरी फुल रोम है। यहाँ पर अगर मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा तो इसके अंदर मेरे को बूट आईएमजी मिलेगा, उसको बाहर निकाल के भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अब सीधा मैजिस करेगा वो काम, जो काम का इमेज है, जो प्रॉपरली सपोर्ट है, जिसके ऊपर उसको पैच करना है, वो आईएमजी को वो पैच करके हमें दे देगा। तो यहाँ पर उतना काम धाम करने का नहीं, कोई एक्सट्रैक्ट करने का नहीं, सीधा सिलेक्ट एंड पैच पर क्लिक कर देना है आपको। ओके रुको वेट, इंस्टॉल पे टैप करूंगा, सिलेक्ट एंड पैच पे टैप करूंगा, यहाँ पे मैं अपना सिलेक्ट कर दूंगा, लेट्स गो पे टैप करूंगा और वो बूट आईएमजी होगा तो बूट वेंडर _boot IMG होगा तो वो, या फिर जो होगा वो खुद पैच करके बाहर निकाल देगा, जैसे कि उसने पैच करके निकाल दिया बाहर, ठीक है। अभी दिखाता हूँ पैच हुआ है कि नहीं, ये देखो पैच करके निकाल दिया। मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करा क्या, नहीं करा, तो आपको भी एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, सीधा फाइल चिपका दो, जो काम का फाइल है वही वो लोड करके दे देगा, सबसे बेस्ट काम। अब
बच सकते हो इससे अपने फ़ोन को बूट लूप में जाने से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेजर चेंज लॉक के बारे में बात करते हैं। जो छोटे छोटे बग्स थे, माइनर बग्स, जो कि हर एंड्रॉयड वर्जन में कुछ कुछ बग्स हमें फेस करने को मिलता है, तो वो छोटे बग्स जो है इस बार के अपडेट में फिक्स हुए हैं। ठीक है, बग्स आते रहते हैं छोटे छोटे, ये फिक्स होते रहते हैं, डेवलपर ऐसे फिक्स करते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हुई है वो है कोड को इम्प्रूव किया गया है। ठीक है, जो कोड था वो ऑप्टिमाइज़ किया गया है, थोड़ा सा बेटर किया गया है। जैसे कि डेवलपर हमेशा कोई नया अपडेट देता है तो उसको और बेटर बना के देता है, तो इसमें कोड इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और भी छोटे छोटे मेजर चेंज लॉक्स नहीं है, वो माइनर चेंज लॉक्स हैं, वो जाके पढ़ लेना, उतना कोई उसके बारे में आप ध्यान नहीं दोगे तो चलेगा। वो हमारे लिए नहीं है, वो डेवलपर या फिर टेस्टर या फिर जो बहुत ज़्यादा डीपली रिसर्च वगैरह करके उसी पे काम करते हैं, उन लोगों के लिए। नॉर्मल जो मेजर चीज है वो मैंने आपको बता दी है। अब आप बात करते हैं सीधा हम अपडेट कैसे करना है उसके ऊपर, उसके बाद कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करो, चले मत जाना, एक ही वीडियो देखो पर पूरा देखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अभी देखो यहाँ पे अपडेट आप दो तीन तरीके से कर सकते हो, लेकिन अपडेट करने से पहले एक चीज़ नोट डाउन कर लेना। प्लीज़ अपडेट करने से पहले ये चीज़ नोट डाउन करो, सबसे पहले अपना सेटिंग्स ओपन करो, अबाउट ओपन करो। अबाउट ओपन करने के बाद एक तो बिल्ड नंबर होगा तो बिल्ड नंबर, ठीक है, या फिर आपका Xiaomi का डिवाइस होगा तो MIUI वर्जन, HyperOS वर्जन, ठीक है, या फिर दूसरा कोई भी कंपनी का डिवाइस हो तो हम नोट डाउन करते हैं बिल्ड नंबर। तो ये चीज़ें नोट डाउन करके अपना स्टॉक रोम, अपना कस्टम रोम डाउनलोड करके रखो भाई अपने पास। ठीक है, प्लीज़ इस चीज़ को नोट डाउन करो, इसको रखो, इसको रखे बिना करना मत। और रखने के बाद जो है इसमें से जो भी IMGs है वो निकाल के आप किसी और फ़ोन के अंदर रख सकते हो, या फिर ये फाइल डाउनलोड करके अपने दूसरे फ़ोन में रख लो। इनकेस आपका फ़ोन बूट लूप में गया तो आप उसको फ्लैश करके रिकवर कर पाओगे अपने फ़ोन को, ताकि आप अपना इंपॉर्टेंट डेटा बचा सको। ठीक है, क्योंकि बाद में अगर फुल फ्लैश करोगे तो डेटा उड़ सकता है ना आपका, इसलिए कह रहा हूँ। तो आप अपना फाइल्स जो है निकाल के रख लेना, ठीक है, तो प्लीज़। या फिर इतना भी नहीं करोगे तो जो पुराना मैजेस जिससे आपने पैच करा था वो IMG भी रहेगा आपके पास, उसको फ्लैश करके भी आप अपना डेटा रिकवर कर सकते हो। याद रखियो, जो नया पैच करा है उसको फ्लैश करने से पहले थोड़ा सा पुराने वाले जो भी चीज़ें हैं उसको निकाल के रख लेना पास में दूसरे फ़ोन के ऊपर। ये फ़ोन डेड भी हो सकता है, कह नहीं सकते हैं। अगर आप तुरंत जैसे ही अपडेट रिलीज हुआ वैसे ही करने जा रहे हो तो ये चीज़ें करोगे तो बेटर है। चलो अभी बढ़ते हैं क्या करना है। ठीक है, पहले तो मैंने निकाल के रख दिया बूट IMG, ठीक है, जो काम का फाइल है उसको मैंने निकाल के रख दिया मेरे दूसरे फ़ोन के ऊपर। ठीक है, सारे IMGs निकाल के रखना, ठीक है, जो वेंडर _boot है वो भी, और जो बूट है वो भी, रिकवरी भी, जितने भी पार्टीशंस का है वो सारा निकाल के दूसरे फ़ोन, पेंड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड में निकाल के रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट मेथड जो है अपडेट करने का ये होता है कि सीधा अपडेट पे टैप कर दूंगे, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पे देखोगे तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद कुछ और स्टेप्स होंगी, जैसे कि इसने वो बैक चला गया है, मैं फिर से ओपन करूंगा तो अगर आप देखोगे तो अपडेट हो चुका है हमारा। अब उसके बाद नेक्स्ट हम इसको अपडेट कर लेंगे मैनेजर को भी, तो मैजिस को भी अपडेट कर लेते हैं। सॉरी, पैच नहीं करना है, ध्यान देना, यहाँ पर हमें क्या करना है, डायरेक्ट इंस्टॉल पे टैप करना है। लेट्स गो पे टैप करोगे और ये हमको एक बार रीबूट मांगेगा, रीबूट भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा पूरा पूरा फुल मैजिस जो है हमारा अपडेट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे रीबूट पे टैप करता हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा फ़ोन सक्सेसफुली बूट हो चुका है। कोई बूट लूप हुआ नहीं, पूरी सावधानी के साथ करेंगे तो कोई बूट लूप ही नहीं होता भाई, तुम सावधानी के साथ करो या फिर थोड़ा सा मेरा वीडियो का वेट कर लो यार। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा फ़ोन बूट हो चुका है। ओपन करता हूँ और यहाँ पर लेटेस्ट मैजिस्क आ चुका है 30.6 30.6, मैनेजर भी अपडेट हो गया, मैजिस्क भी अपडेट हो गया, एप्लीकेशन भी अपडेट हो गया, सारी चीज़ें प्रॉपरली अपडेट हो गई, कोई इशू नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ हो गई अपडेट की। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, बस हो गया और कुछ नहीं करना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ये पहला मेथड हो गया अपडेट करने का। दूसरा मेथड अपडेट करने का, अगर ये फेल्ड हो रहा है उनके लिए बता रहा हूँ, जिनका फेल्ड हो रहा है अगर यहाँ से अपडेट ही नहीं हो रहा है तो वो एक काम कर सकते हो, मैजिस को पूरी तरह से अनइंस्टॉल मार दो, कंप्लीट अनइंस्टॉल मारो और फिर से मैजिस का लेटेस्ट वर्जन जो डाउनलोड कर लो और उसको इंस्टॉल करो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे आपको। ये देखो मैजिस 31 स्टेबल, इसको इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करके पैच करो और उसको फ्रेशली किसी फ़ोन के थ्रू या फिर किसी PC के थ्रू फ्लैश कर सकते हो। ये चीज़ नोट डाउन करना, अगर नहीं हो रहा है पहला मेथड तो दूसरा मेथड ट्राई करो। ठीक है, अब दूसरा मेथड में आपके पास बोलोगे भाई मेरे पास तो फ़ोन नहीं है दूसरा, मेरे पास तो दूसरा वाला जो है PC नहीं है, अब मैं कैसे करूँ, मेरा पहला भी नहीं हो रहा है और दूसरा भी जुगाड़ नहीं है, क्या करूँ। ओके गाइस, जैसे कि आपको मैंने बताया, अगर आप पैच मेथड से कर रहे हो तो पैच मेथड से कर सकते हो, या फिर आपके फ़ोन में कस्टम रिकवरी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेटेस्ट मैजिस को डाउनलोड करके कस्टम रिकवरी थ्रू के ही फ्लैश कर सकते हो। ठीक है,
खाली आपको जो है रीनेम कर देना पड़ेगा, और कुछ कुछ कस्टम रिक्वेरीज में रीनेम करने की भी ज़रूरत नहीं होती, सीधा आप एपीके को सिलेक्ट करके फ्लैश कर सकते हो, या फिर आप जिप डॉट जिप करके लगा दो लास्ट में और उसको आप कस्टम रिक्वेरी के थ्रू फ्लैश कर सकते हो। चलो ये हो गया इंस्टॉलेशन प्रोसेस, इससे ज़्यादा कुछ और है ही नहीं, सिंपल सी बात है। अब सीधा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि प्रिकॉशंस, कौन से सावधानियां आपको बरतने हैं जिससे आपको जो है आपका फ़ोन जो है वो ब्रिक ना हो, बूट लूप में ना जाए, ठीक है। तो चलो मैं प्रिकॉशंस के बारे में बात करता हूँ। पहला प्रिकॉशन यही रहेगा कि अपना स्टॉक रोम डाउनलोड करके रख दो, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि वो बूट लूप में नहीं जाएगा करके, कह नहीं सकते ना, कुछ भी कम ज़्यादा हो सकता है। तो पहला काम यही करो कि आपका जो फ़ोन में जो रोम चल रहा है उसको डाउनलोड करके रख देना है, पहला काम, ठीक है। इसके एक्सट्रैक्ट करके रख लो, उसमें से सारे IMGs आप दूसरे फ़ोन में डाल के रख लो, इनकेस कुछ दिक्कत हुआ तो आप उसको बैकअप मतलब रिकवर कर पाओ अपने डिवाइस को। तो इसके रिगार्डिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जाकर आप वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। फोन ब्रिक हो गया तो बूट लूप से बाहर कैसे निकालेंगे, ठीक है, फुल रोम कैसे फ्लैश करेंगे, सब बना के रखा है भाई अपने चैनल पर, पूरा का पूरा भंडार है। चलो अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन के बारे में बात करते हैं। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन ये रहेगा कि आप जब भी मैजिस को अपडेट करने जा रहे हो तो याद रखो कि अपडेट करने से पहले पूरे मॉड्यूल्स रिमूव मारो, सारे के सारे मॉड्यूल्स रिमूव करो। कि क्या होता है कि कभी कभी आप अपडेट करते टाइम ना कुछ स्टफ रह जाता है, उसके वजह से ना उसके वजह से भी बूट लूप हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, दावा नहीं कर रहा हूँ कि होगा पक्का, पर हो सकता है। तो बेटर रहेगा कि अपने सारे मॉड्यूल्स फर्स्ट रिमूव कर डालो, फिर उसके बाद अपडेट करो, ठीक है। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, आप जब अपडेट कर रहे हो ना तभी आपका इंटरनेट भी कनेक्शन भी ऑन कर रखे करके रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है, अपडेट करने से पहले थोड़ी रुक जाओ, ठीक है। ये 17 आवर्स पहले ही रिलीज़ हुआ और इतने जल्दी भी अपडेट करने की क्या घाई थी उस बंदे को, पता नहीं उसने कर दिया, बट आप ऐसा मत करो। एक तो थोड़ा सा वेट करो क्या राय दे रहे हैं बाकी लोग, या फिर आपको मतलब इतनी चुल मची है तो ऐसे फ़ोन में करो जो आपका एक्सपेरिमेंटल फ़ोन है, जो पर्सनल है उस पर मत करना, ओके। या फिर आपका कुछ काम का सेटअप वगैरह करके रखा होगा रूट के बेस पे तो वो भी मत करना अपडेट, ठीक है, वरना आपका फ़ोन बूट लूप में जाएगा और हो सकता है कि आप रिकवर ना कर पाओ। पूरा रॉम फ्लैश करोगे तो पूरा उड़ जाएगा सब रूट वूट, तो ऐसा मत करना। या फिर मेरे वीडियो को वेट कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, मैं अपना वीडियो दूंगा, आपको प्रॉपरली राय दूंगा क्या है उसमें चीज़ें अच्छी बुरी सब बताता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा वीडियो लंबा करता हूँ, आई नो कि मैं लंबा करता हूँ, बट आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चे जैसा, ठीक है। तो बस यही था वीडियो, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, बहुत मेहनत लगती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो बहुत कम ही लोग देखते हैं वीडियोस ये वाले, मतलब ऐसे रूटिंग रॉम बूटिंग वगैरह, और आप लोग देख के भी सपोर्ट नहीं करोगे तो भाई फिर वो बोलते हैं ना, फिर मेहनत इतनी करने के बावजूद भी अगर कुछ फल ना मिले तो फिर इच्छा नहीं होती वही मेहनत करने की, कुछ और करने की इच्छा होती है, मतलब कुछ और कंटेंट बनाने की इच्छा होती है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करो, मैं आपकी सपोर्ट का ही अपेक्षा करूँगा, और कुछ नहीं, एक लाइक करना है और अपने टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दो, और बस इतना ही बोलूँगा। और एक शेयर करने के बाद एक लाइक और नीचे हाइप बटन होता है उसको भी दबा दो, बेल आइकन दबाओ, आपको अपडेट्स रेगुलर अच्छी मिलती रहेंगी। अगर ओपन सोर्स वाली चीज़ें चाहिए तो बढ़िया रहेगा, इस चैनल के ऊपर बने रहो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू गाइस, गुड बाय, टेक केयर।